सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। आज का पंचांग 22 मार्च 2021 दिन सोमवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 9:28 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:03 से 9:33 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनके लिए अनजाना और दोषी महसूस कर सकते हैं। अतीत में कोई चिंता फिर आपको परेशान करेगी। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें और जो आपके शारीरिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो करें। अप्रत्याशित रूप से धन मिलेगा, सोच समझ कर निवेश करें। आपको मिली हुई नई आजादी से आज आप बेहतर साहसिक रहेंगे। नए विचार और योजनाएं आपके विकास में सहायक हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ जाएंगे आप जीवन में सफल हो रहे हैं। आज किसी पारिवारिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। भूमि संबंधित कार्यों में अगर निवेश करने की कोई प्लानिंग चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पैसों से संबंधित व्यवहार सोच समझ कर करने की आवश्यकता होगी। दूसरों को मिल रहे यश के कारण आपके अंदर नकारात्मक भावना और ईर्ष्या पैदा हो सकती है। इस बात का ध्यान रहे आपका व्यवहार और बात करने के तरीके की वजह से परिवार की किसी व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ने की आशंका बन रही है। काम से संबंधित उत्साह कम नजर आएगा। सावधानियां। कभी कभी आपके विचारों में वहम, संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। किसी गुप्त या रहस्यमय रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। रोमांस और यौन सुख भी आपकी किस्मत में है। अगर कोई आपसे अपनी दिल की बात को शेयर करता है तो इसका अर्थ है कि वे आपके प्रति आकर्षित हैं। इस मौके को व्यर्थ न जाने दें। आत्मविश्लेषण और अपने विचार व्यवस्थित करने के लिए आज का समय उपयुक्त है। अधिक उत्साह में आकर कोई भी काम करने या निर्णय लेने से बचें। अपने इष्ट का परिणाम देने के लिए भी आज तैयार रहें। इसके लिए अपने प्यार को कुछ उपहार दें या उसके लिए कुछ खास करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। जीवन में खतरे या अपमान आपके हौसलों को नहीं तोड़ पाएंगे। अपने करियर को बढ़ाने के बारे में भी विचार करें और मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग करें। करियर या निजी जीवन के रहस्यों को उजागर करने का समय भी आ चुका है। जीवन के इस पड़ाव से आप नए क्षितिज को देख सकते हैं। हो सकता है कि आज आपके नए विचार या योजनाएं सफल ना हों, लेकिन साहसिक या जोखिम भरे कार्य आज आपके कार्ड्स में है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है और आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है। अच्छा सोचने से अच्छा काम करना बेहतर है। बात करते हैं सेहत की। कान में संक्रमण होने पर लापरवाही न बरतें। सभी लक्ष्य संकेत कर रहे हैं कि यह संक्रमण
गंभीर भी बन सकता है, इसीलिए अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयां लेने में लापरवाही ना करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।